चाइनीज़ इकोनॉमी को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। चाइना का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है ये अपने लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है, अगर हम बात करें 2013 के बाद से। और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से ये सर्वे किया गया है, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो इसने जब से सर्वे स्टार्ट किया है उसके हिसाब से ये अपने लोवेस्ट लेवल पर है। और बिजनेस कॉन्फिडेंस का अपने लोवेस्ट लेवल पर जाना क्या इशारा कर रहा है? ये उसी तरह से है जैसे हम वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कंडीशंस एंड ऑल कि आगे क्या होगा। तो उसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, किस तरह से इकोनॉमी डायरेक्शन लेगी, टर्न लेगी, क्या ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो सारे प्रेडिक्शन होते हैं इस तरह के सर्वे के माध्यम से। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके माध्यम से हमें इकोनॉमी के फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे आइडिया लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप जो है किस तरह का प्रोडक्शन, क्या आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ऑर्डर्स स्टॉक क्या हैं, फिनिश्ड गुड्स के जो स्टॉक्स हैं उसको लेके, तो इस बेसिस पे ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का सर्वे किया जाता है। और इसके आधार पर इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है या किस दिशा में वो जाएगी उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये कह रही है कि ये बिजनेस कॉन्फिडेंस चाइना में अपने निम्नतम स्तर पे है। और यहाँ पे एक इशारा किया जा रहा है कि ये रिसेशन, जिसे हम कहेंगे कि मंदी जो है नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे रिसेशनरी प्रेशर चाइना के ऊपर बन सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट मेंशन करती है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़ें उससे पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन का PDF प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा फ्री जो स्पेशल क्लासेज हैं उसके लिए इस लिंक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे अभी मासिव डिस्काउंट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ये 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज द कोड RBLIVE टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, जिसकी तरफ से ये इंडेक्स यहाँ पे आया है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स इन्होंने डिवाइस किए हैं और इसी में एक है इनका जो सेल्स मैनेजर्स इंडेक्स है, सेल्स मैनेजर्स इंडेक्स, इसके माध्यम से ये यहाँ पे जो सेल्स की ग्रोथ है उसके ट्रेंड को देख रहे हैं। स्टाफिंग, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, इन सब लेवल्स को ये यहाँ पे टारगेट करके अपने इंडेक्स पे फाइंडिंग्स दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ये इंडेक्स है, इसके माध्यम से बेसिकली हम देखेंगे कि इकोनॉमी जो है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है। तो इसी आधार पे इन्होंने ये फाइंडिंग्स ली और यहाँ पे इनके पास जो फाइंडिंग आ रही है वो आ रही है 50 के नीचे, 50 के नीचे फाइंडिंग्स हैं। जैसा आप अगर यहाँ देखेंगे तो सेल्स जो सेल्स मैनेजर्स इंडेक्स है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ये दोनों ही केस के अंदर 50 से नीचे जा चुका है। 50 से नीचे का जाने का मतलब है, देखो 50 पे नो ग्रोथ है, 50 से ऊपर जा रहे हो सो देर शुड बी ए काइंड ऑफ एक्सपेंशन, जिसे हम ग्रोथ कह रहे हैं। 50 से नीचे जाने का मतलब है डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे रिसेशन का प्रेशर भी बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट रिसेशन को भी यहाँ प्रिडिक्ट कर रही है कि अगले साल रिसेशन या मंदी हो सकती है। सो इंडेक्स की हमने चर्चा की है, 50 से नीचे चला गया है, इसलिए ये यहाँ पे चाइना के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल अगर हम देखें और ये रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है, देखिए रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि चाइना के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं या COVID-19 इन्फेक्शन के जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी को आप देखेंगे उसके मद्देनज़र उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है लॉकडाउन या फिर कंटेनमेंट मेजर्स लिए हुए हैं। काफ़ी सारे बिजनेस हाउसेज पूरी तरह से रन नहीं कर पा रहे हैं, वो बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बिजनेस को या बिजनेस सेंटिमेंट को हर्ट कर रही हैं और उसकी वजह से ग्रोथ निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर बताया गया कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिसेशनरी प्रेशर है। हम देख रहे हैं US है, यूरोप है, हर तरफ जो है मंदी का दबाव बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं। अगर मनी सप्लाई को कम किया जाएगा तो मंदी का प्रेशर बनेगा। और जब ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है तो चाइना के एक्सपोर्ट है ये भी निगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं। और चाइना एक मेजर एक्सपोर्टिंग नेशन है, अगर इसके एक्सपोर्ट निगेटिवली इम्पैक्ट होंगे तो डेफिनेटली चाइना मंदी की तरफ बढ़ सकता है। इन सभी चीज़ों को इन्होंने ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट के अंदर ये सारे प्रेडिक्शन किए हैं। अगर हम बात करें चाइना के अंदर क्या वाकई में मंदी आ सकती है या जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चाइना मंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो पहले हम इस वर्ड को जान लें, रिसेशन, या जिसे मंदी कहते हैं। रिसेशन का मतलब क्या होता है? देखो टेक्निकल डेफिनेशन अगर रिसेशन की देखी जाए तो इसका मतलब है कि कोई भी जो क्वार्टर है, जैसे हम एक फाइनेंशियल ईयर है तो 12 महीने होते हैं, उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो जाते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो सक्सेसिवली अगर हम देखते हैं 2 क्वार्टर में GDP की जो ग्रोथ रेट है अगर नेगेटिव है, GDP की ग्रोथ रेट अगर लगातार नेगेटिव बनी हुई है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, तो टेक्निकल लेवल पे हम उसको रिसेशन मानते हैं।
लेकिन रिसेशन को डिक्लेयर करने के और भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। हो सकता है आपकी ग्रोथ रेट इस सेंस में नेगेटिव नहीं है, लेकिन कोई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट का इशू बना हुआ है, या फिर आपकी जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट तो है लेकिन जॉब्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, बट टेक्निकल लेवल पे जो डेफिनेशन है उसको आपको ध्यान रखना है कि फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो फिर रिसेशन होगा। अब यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है 2022 में हमने 5% ग्रोथ का प्रडिक्शन किया था, अब ये 3% तक आपकी जा सकती है ना, ये प्रेडिक्शन है। हो सकता है और नीचे हो जाए या जो भी चेंज हो, तो यहाँ पे अगर 3% पे भी रहेगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव के अंदर है, और नेक्स्ट ईयर जो इनका प्रेडिक्शन है अगेन 4% के आसपास है, तो निगेटिव में तो नहीं जा रहा है डेफिनेटली। तो ये कहना अभी इस तरह से कहना कि हाँ मंदी की तरफ बढ़ गया है तो वो एक सही बात नहीं होगी। हालांकि इस रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया है कि चाइना के अंदर जो है नेक्स्ट ईयर रिसेशन आ सकता है, इसको क्लियरली मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं तो उससे इस तरह का कोई रिस्क अभी तो नहीं लग रहा है। लेकिन जैसा हमने देखा कि इन सर्वे का या बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे का ये इंपॉर्टेंस है कि ये पहले ही चीज़ों को भाप के वहाँ पे प्रिडिक्शन देते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूर इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2020-21 जो कोरोना वाला साल था उस दौरान चाइना की एक ऐसी इकोनॉमी थी, मेजर इकोनॉमी, जहाँ पे ग्रोथ रेट पॉजिटिव के अंदर था, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम देखते हैं इंडिया की कंटेक्स्ट में तो आज हमारे से 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है ये मानी जाएगी। 3.5 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ है, वहीं 18 to 19 ट्रिलियन डॉलर चाइना की इकोनॉमी का साइज़। तो चाइनीज़ इकोनॉमी देखते हैं किस तरह से बिहेव करती है, और अगर चाइना इस तरह से मंदी की तरफ बढ़ता है तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पर रिसेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा होंगे। हालांकि वहाँ पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ अपने बेस को इंडिया में सेटअप कर रही हैं। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, पीडीएफ सेशन का आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए इस तरह से निकाला जाता है, तो इंडिया के केस में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दीज प्लान्स। अपने प्लान को चूज़ करने के बाद आप कोड पुट करेंगे RB Life, तो आपको जो भी डिस्काउंट्स हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। आइकॉनिक के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, लाइव मेंटरशिप प्लस और भी काफ़ी बेनिफिट है, उसके लिए भी जा सकते हैं। फिलहाल आपको ये मासिव डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, इनके लिए डेफिनेटली आप जा सकते हैं। नए बैचेस आपके 22 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा IRMS का बैच ऑलरेडी आपका चल रहा है, केवल CSAT या फिर आपको केवल जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, और 0% EMI का ऑप्शन आपको मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आप जा सकते हैं अगर एलिजिबल हैं, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।